आज आपको गुड़ खाने के फायदे बताऊंगी। नेचुरल स्वीट के तौर पर खाया जाने वाला गुड़ टेस्टी होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर आप गुड़ खाना पसंद करते हैं तो आपको इसके गुणों के बारे में भी पता होना चाहिए। फिर आप कहेंगे, वाह भाई, गुड़ के क्या कहने। प्राचीन समय से ही गुड़ को स्वास्थ्य के लिए अमृत माना गया है। आयुर्वेद का मानना है कि गुड़ में मौजूद तत्व शरीर के एसिड को खत्म करते हैं। इसके विपरीत चीनी के सेवन से एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारे शरीर में रोग पैदा होते हैं। वैद्यों की सलाह के अनुसार निरोगी काया और दीर्घायु के लिए भोजन के बाद नियमित रूप से 20 ग्राम गुड़ का सेवन करना चाहिए। गुड़ के मुकाबले चीनी को पचने में 5 गुना ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन बहुत से लोग इसके फायदे के बारे में नहीं जानते। तो चलिए आज आपको गुड़ के कुछ फायदे बताते हैं। सर्दी के दिनों में या सर्दी हो जाने पर गुड़ का उपयोग आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। यह सर्दी जुकाम और खास तौर पर कफ से आपको राहत देने में मदद करेगा। इसके लिए दूध या छाछ में गुड़ का प्रयोग किया जा सकता है। आप इसका काढ़ा भी बनाकर पी सकते हैं। स्किन के हेल्थ के लिए भी गुड़ आपके लिए बहुत ही काम की चीज है। गुड़ खून से हानिकारक टॉक्सिन को बाहर निकालकर त्वचा की सफाई में मदद करता है और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा थकान और कमजोरी महसूस कर रहे हैं तब भी गुड़ आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि यह आपके शरीर की एनर्जी के लेवल को बढ़ा देता है और आपको थकान महसूस नहीं होती। पेट में गैस बनने जैसी प्रॉब्लम के लिए रोज़ाना एक गिलास पानी या दूध के साथ गुड़ खाने से पेट में ठंडक होती है और गैस नहीं बनती। कान में दर्द होने पर भी गुड़ बहुत फायदेमंद है। गुड़ को घी के साथ मिलाकर खाने से कान में होने वाले दर्द की समस्या दूर हो जाती है। वैसे तो गुड़ को गर्म तासीर का माना जाता है, लेकिन इसे पानी के साथ घोल कर पीने से यह बॉडी को ठंडक प्रदान करता है और गर्मी को कंट्रोल करता है। गुड़ शरीर में खून की सफाई करके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इसके अलावा गुड़ गले और फेफड़ों के इन्फेक्शन के इलाज में भी फायदेमंद है। रोज़ाना दोपहर और रात को खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ मुंह में लेकर चूसने से पाचन बेहतर होता है। गुड़ एक अच्छा मूड बूस्टर भी है। यह आपके मूड को खुशनुमा बनाने में मदद करता है। इसके अलावा माइग्रेन की समस्या में भी गुड़ फायदेमंद है। गला बैठ जाने और आवाज़ जकड़ जाने पर पके हुए चावल के साथ गुड़ मिलाकर खाने से बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है और आवाज़ भी खुल जाती है। बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में गुड़ बहुत सहायक है। इसमें एंटी एलर्जिक तत्व होते हैं, जो अस्थमा के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। गुड़ याददाश्त बढ़ाने में भी बहुत फायदेमंद है। इसके नियमित सेवन से याददाश्त बढ़ती है और दिमाग कमज़ोर नहीं होता। गुड़ को अदरक के साथ गर्म करें। इसे गुनगुना खाने से गले की खराश और जलन में राहत मिलती है। इससे आवाज़ भी काफ़ी बेहतर हो जाती है। खट्टे डकारे आने या पेट की समस्या में गुड़ में काला नमक मिलाकर चाटने से लाभ होता है। अगर आपको कम भूख लगती है या नहीं लगती तो गुड़ के पास आपके इस समस्या का इलाज है। गुड़ खाने से आपकी भूख भी बढ़ेगी और पाचन भी सही होगा। वजन कम करने के लिए भी गुड़ बहुत फायदेमंद है। रोज़ाना गुड़ खाने से वजन कम होता है। शरीर में आयरन की कमी होने पर गुड़ बहुत मददगार है। गुड़ आयरन का एक अच्छा और आसानी से मिलने वाला सोर्स है। एनीमिया के रोगियों के लिए गुड़ बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा सांस से रिलेटेड बीमारियों के लिए 5 ग्राम गुड़ को बराबर मात्रा में सरसों के तेल के साथ मिलाकर खाने से सांस से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है। पीलिया हो जाने पर
5 ग्राम सौंठ में 10 ग्राम गुड़ मिलाकर खाने से लाभ मिलता है। इसके अलावा जुकाम हो जाने पर गुड़ को पिघलाकर उसके पपड़े बनाकर खाने से फायदा होता है। अगर जोड़ों का दर्द हो तो गुड़ को अदरक के साथ खाने से बहुत ही फायदा मिलता है। रोजाना गुड़ के एक टुकड़े के साथ अदरक खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। गुड़ में कैल्शियम के साथ फास्फोरस भी होता है, जो हड्डियों को मजबूत करने में सहायक माना गया है। वहीं चीनी हड्डियों के लिए नुकसानदायक होती है, क्योंकि चीनी इतने अधिक तापमान पर बनाई जाती है कि जिसके कारण गन्ने के रस में मौजूद फास्फोरस खत्म हो जाता है। महिलाओं को त्वचा का ख्याल सबसे ज़्यादा होता है, और अगर आप रोजाना गुड़ का सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर से हानिकारक टॉक्सिन को बाहर कर देता है और आपकी त्वचा साफ और स्वस्थ रहती है। गुड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका सेवन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शारीरिक कमजोरी में गुड़ के साथ दूध का सेवन करना बहुत ही लाभकारी होता है। गुड़ के साथ दूध का उपयोग दुर्बल शरीर को मजबूत बनाता है। यह शारीरिक कमजोरी को दूर करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। अगर आपको गुड़ के साथ दूध पसंद नहीं है तो 1 कप पानी में 5 ग्राम गुड़, 10 मिलीलीटर नींबू का रस, 1 ग्राम काला नमक मिलाकर सेवन करें। यह शारीरिक कमजोरी और अन्य सामान्य दुर्बलता को दूर करने में बहुत लाभदायक है। गाय के घी के साथ गुड़ का उपयोग माइग्रेन और सिर दर्द में मदद करता है। यह उपाय आमतौर पर पंजाब और भारत में प्रयोग किया जाता है। आप सोने से पहले और सूर्योदय से पहले सुबह खाली पेट 5 मिलीलीटर गाय के घी के साथ 10 ग्राम गुड़ एक दिन में 2 बार लें। यह माइग्रेन और सर दर्द में आराम दिलाएगा। गुड़ का हलवा खाने से दिमाग तेज होता है और शरीर से जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। गुड़ का हलवा सर्दियों में शरीर के तापमान को नियमित रखता है। इसे खाने से याददाश्त कमजोर नहीं होती। इसीलिए आप अपनी याददाश्त को अच्छा रखना चाहते हैं तो इसका नियमित सेवन कीजिए। अस्थमा से बचने के लिए भी गुड़ का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। अगर किसी को बहुत लंबे समय से अस्थमा है तब भी गुड़ का सेवन बहुत लाभदायक होता है। गुड़ एक ऐसी लाभदायक औषधि है जो आपके रक्तचाप को नियंत्रण में रखती है। साथ ही जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की बहुत अधिक शिकायत होती है उन्हें इसका सेवन जरूर करना चाहिए। दिल की बीमारी से बचने के लिए आपको गुड़ का सेवन करना चाहिए। गुड़ का सेवन इतना अच्छा उपचार है जो आपके दिल की बीमारी होने के खतरे से बहुत दूर रखता है। अगर आपकी आँखों में कमजोरी है तो आपको रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह आँखों की कमजोरी के लिए दवा के रूप में काम करता है। गुड़ का सेवन आपकी आँखों की रोशनी को तीव्रता से बढ़ाता है। इसके अलावा जिन लड़कियों को मासिक धर्म की परेशानी मतलब जिन लड़कियों को मासिक धर्म नियमित रूप से नहीं होता उन्हें प्रतिदिन 3 बार गुड़ का सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से मासिक धर्म की परेशानी में बहुत लाभ मिलता है। ठंड में कई लोगों को कान का दर्द रहता है जिसके कारण हम बहुत परेशान रहते हैं। ऐसे में गुड़ और घी को पकाकर खाने से कान के दर्द में बहुत फायदा होता है। गुड़ मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत है। थकान मिटाने के लिए गुड़ का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप पर काम का बहुत प्रेशर है और आप इसके कारण टेंशन में रहते हैं तो आपको 20 ग्राम गुड़ का सेवन प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। गुड़ खाने के फायदों के साथ साथ इसके कई नुकसान भी हैं। गुड़ गर्म होता है। गर्मी के मौसम में ज़्यादा गुड़ खा लेने से नाक से रक्त निकलने लगता है। शुगर के मरीजों को गुड़ का अधिक मात्रा में सेवन करने से शुगर लेवल बढ़ जाता है। गुड़ का अधिक मात्रा में और ज़्यादा समय तक लगातार सेवन करने से आपका वजन बढ़ सकता है। अगर आपके शरीर में सूजन है तो गुड़ का सेवन नहीं करें, यह आपके शरीर की सूजन को बढ़ा सकता है। इसी के साथ
मैं राधिका जैन आपके अच्छे सेहत की कामना करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे हेल्थ टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।